हाय गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वो कैबलरी आपको पता होगी क्या होती है। हम अपनी लाइफ में हर रोज़ पता नहीं कितने सारे वो कैबलरी को हम यूज़ करते हैं। चाहे हम हिंदी बोले या फिर हम इंग्लिश बोले, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे शब्द यानी कि कुछ ऐसे वो कैबलरी की बात करेंगे जिसके दो सिमिलर वर्ड होंगे, और आई थिंक आपको ये सारे वर्ड पता भी होंगे मे बी, और नहीं पता होंगे तो आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड जानने को मिलेंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो हम लोग एक एक वर्ड को देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे वो कैबलरी है और उसके सिमिलर वर्ड भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वर्ड से शुरू करते हैं, बिकॉज जो पॉजिटिव शब्द है ना, वो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। इसका यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, हर रोज़ ही करते हैं। तो उसकी जगह आप उससे सिमिलर कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिमिज़म। ये भी बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और स्पेशली आप इस वर्ड को मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो वर्ड है स्मार्ट, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। तो इसके जगह आप क्लेवर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप गुड लुकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा चीफ, चीफ मीन्स होता है प्रधान। तो हम लोग बहुत प्लेस पे यूज़ करते हैं चीफ। एज आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर कहीं और प्लेस पे आप काम करते हैं तो वहाँ पर चीफ होते ही हैं। तो उसकी जगह आप हेड यूज़ कर सकते हैं। हेड भी आई थिंक आपको पता होगी कि हम लोग नॉर्मली अपनी लाइफ में इन सारे शब्दों का यूज़ करते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है नियर बाई, तो नियर बाई क्या होता है? तो नियर बाई तो आपको ऑलरेडी पता होगा, पास में। तो इसकी जगह आप क्लोज़ यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है नाइस, तो नाइस भी हमारा एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, तो उसकी जगह आप गुड यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा शब्द है शेल, शेल मीन्स होता है खोल या रक्षा कवच, जिसे हम लोग बोलते हैं। स्पेशली ये इंसेक्ट में पाए जाते हैं, तो आपने बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट को देखे होंगे जिनके ऊपर शेल यानी कि एक खोखले टाइप का रक्षा कवच होता है, तो उसकी जगह आप शील्ड यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा शब्द है बोल्ड, बोल्ड मीन्स होता है नीडर या फिर साहसी, तो उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो फेयरलेस। अगला जो हमारा वर्ड है स्कैड, स्कैड का मतलब होता है डरा हुआ या फिर बहुत ज़्यादा सहमा हुआ, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो फेयरफुल या फिर आप यूज़ कर सकते हैं फ्राइटन। तो ये सारे जो वर्ड होते हैं सब सिमिलर है, तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वॉरशिप, वॉरशिप मीन्स होता है पूजा करना या फिर प्रार्थना करना, तो इसकी जगह आप प्रे या फिर वेनरेशन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे तो ज़्यादा वॉरशिप पसंद है, तो आपको जो पसंद हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा वर्ड है प्रैंक, प्रैंक मीन्स होता है किसी को शरारत करना, किसी के लिए हम लोग शरारत करते हैं तो उसे हम लोग प्रैंक बोलते हैं। तो उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो मिशर, ठीक है? ये भी वर्ड बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है फायर, तो फायर भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, जिसका मतलब होता है जलना, तो उसकी जगह आप ब्लेज यूज़ कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा वर्ड है अचीवमेंट, ये भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है और इसका यूज़ हम लोग करते हैं नॉर्मली। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, तो हम लोग अचीवमेंट बोलते हैं, या फिर उपलब्ध कर लेना, उपलब्धियाँ जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसके जगह आप फुलफिलमेंट यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, कुछ चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं इस वर्ड का। तो आप इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अगला जो हमारा वर्ड है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान करना या फिर प्रशंसा करना किसी की, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं एडमायर जो वर्ड है। अगला जो हमारा वर्ड है अलोन, अलोन मीन्स होता है अकेला या फिर अकेलापन, तो हम लोग मोस्टली इसी वर्ड को यूज़ करते हैं, बट उसके जगह आप सॉलिटरी जो वर्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है शर्टेन, शर्टेन मीन्स होता है निश्चित या फिर विशेष, तो उसके जगह आप पर्टिकुलर जो वर्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है ऑलमोस्ट, तो ये भी बहुत कॉमन है और हम लोग इसको ऑलवेज यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है लगभग, तो उसके जगह आप नियरली वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स होता है हैरान कर देना या किसी चीज़ को आश्चर्यचकित कर देना, तो ये भी वर्ड हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं शॉक्ड। अगला जो हमारा वर्ड है एनुअल, एनुअल मीन्स होता है वार्षिक या फिर साल के अंत में जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर आप ईयरली भी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है लकी,
लकी मीन्स होता है भाग्यशाली, तो जो पर्सन लकी होता है यानी कि भाग्यशाली होता है, तो वहाँ पर हम लोग स्पेशली इस टाइप के वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसके जगह आप यूज़ कर सकते हो फॉर्चुनेट, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है। अगला जो हमारा वर्ड है मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिकता, या फिर हम लोग कोई न्यू चीज़ अपनाते हैं लाइक अ कल्चर हो गया, या कोई भी न्यू चीज़ जब हम अपने आप को उसमें ढालते हैं तो हम लोग वहाँ पर आधुनिक यानी कि मॉडर्न जो वर्ड है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर आप अपडेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, अपडेटेड भी जो है वो इसका सिमिलर वर्ड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा वर्ड है फीलिंग्स, फीलिंग तो बहुत ही कॉमन है और हम लोग हर रोज़ इसको यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब होता है भावना या फिर संवेदना, तो वहाँ पर आप इमोशंस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है हेट, हेट मीन्स होता है घृणा करना, जब हम किसी से घृणा करते हैं या किसी भी चीज़ से तो हम लोग हेट वर्ड का यूज़ करते हैं, और ये भी हर कोई जानता है। तो इसके जगह आप कुछ न्यू ट्राई कर सकते हो जैसे कि एवर्ड, तो ये भी एक अच्छा वर्ड है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी में। अगला जो हमारा वर्ड है आउटसाइड, ये भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है बाहरी, तो उसके जगह आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटेरियर। अगला जो हमारा वर्ड है चूज़, इसे भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं स्पेशली जब हमें कोई सामान को चुनना होता है लाइक ड्रेस या फिर कोई भी चीज़ हम लोग जब चुनते हैं तो वहाँ पर हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट। अगला जो हमारा वर्ड है ऑलवेज, ऑलवेज भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है हमेशा, तो इसके जगह आप यूज़ कर सकते हैं फॉरएवर। जब हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं या हम जब किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ऑलवेज़ यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप फॉरएवर भी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है जॉइन, तो जब भी हम कोई ग्रुप में स्पेशली जॉइन होते हैं यानी कि इसका हिंदी होता है जुड़ना, किसी चीज़ से आप जुड़ते हो तो हम लोग वहाँ पर जॉइन वर्ड का यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पर कुछ अलग भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कनेक्ट होना या फिर लिंक होना। जब भी आप कोई नया चीज़ किसी से कनेक्टेड होते हो, बातचीत करते हो या फिर किसी ऑफिस में आप कनेक्ट होते हो, तो इस तरह के वर्ड आपको वहाँ पर देखने को मिलते होंगे, तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे। अगला जो हमारा वर्ड है स्किल, स्किल का मतलब होता है कौशल या फिर क्षमता। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं और उसमें हम लोग पूरी परफेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग स्किल शब्द का यूज़ करते हैं, जैसे कि हर किसी को अलग अलग टाइप के स्किल्स आते हैं तो वहाँ पर हम लोग इस वर्ड का स्पेशली ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके जगह आप कुछ न्यू वर्ड यूज़ कर सकते हो लाइक अ सिमिलर एबिलिटी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है कीप, किप मीन्स होता है रखना या बचाना भी आप इसको बोल सकते हो, तो हम लोग वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ न्यू वर्ड यूज़ कर सकते हैं लाइक अ शेप एंड प्रोटेक्ट, ये भी आप इसमें इसके कॉमन है, आप इसके यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगला जो हमारा वर्ड है एक्टिव, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय या फिर ऊर्जा, जिसके शरीर में ज़्यादा ऊर्जा लाइक वो हमेशा हर काम में एक्टिव होता है यानी कि हमेशा वो काम करने के लिए तैयार होता है। कोई भी आप किसी पर्सन को देखोगे जिसके अंदर लेजीपन ज़्यादा नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग एक्टिव बोलते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ न्यू ट्राई कर सकते हो लाइक एनर्जेटिक, इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है मिस्टीरियस, ये भी वर्ड बहुत ही कॉमन है, हम इसको यूज़ करते हैं स्पेशली, इसका मतलब होता है रहस्यमयी, कोई चीज़ जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता, हम नहीं जानते, वहाँ पर हम लोग मिस्टीरियस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो ऑक्यूल्ट। अगला जो हमारा वर्ड है वेरी केयरफुल, यानी कि बहुत सावधानी से, जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कॉशियस, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है और ये सिंपल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वेरी बोरिंग, यानी कि किसी चीज़ में हमारा जब सुनने का या कुछ करने का मन नहीं करता है, यानी कि एक तरह से उबारू टाइप का हो जाता, तो हम लोग बोलते हैं वेरी बोरिंग, तो वहाँ पर आप डॉल वर्ड जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वेरी नाइस, तो ये तो बहुत कॉमन है, हम लोग यूज़ करते ही हैं, तो वहाँ पर आप काइंड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। अगला जो हमारा वर्ड है वेरी कोल्ड, ये भी बहुत ही नॉर्मल है, हम लोग यूज़ करते हैं इसको, जिसका मतलब होता है बहुत ठंडा, तो इसके जगह आप यूज़ कर सकते फ्रीजिंग। अगला जो हमारा वर्ड है कैरी आउट, कैरी आउट मीन्स होता है बाहर ले जाना, तो उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं एक्सक्यूटेड। तो अगला जो हमारा वर्ड है डिस्क्राइब, यानी कि वर्न करना, जब भी हम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं पूरा डिटेल में उसे बताते हैं तो वहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि नरेट,
तो ये भी वर्ड जो है इसके असिमिलर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देना या फिर बर्बाद कर देना, तो उसके जगह आप कुछ और यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रेज, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा वर्ड है ब्राइट। ब्राइट मीन्स भी बहुत अच्छा वर्ड है और इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है उज्ज्वल, चमकदार या फिर कोई ज़्यादा शाइनिंग जो चीज़ें करती है, तो वहाँ पर हम लोग लाइटली की जगह इसको यूज़ करते हैं, यानी कि काफ़ी डार्क होता है तो उसे हम लोग लाइट बोलते हैं वहाँ पर, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर आप कुछ डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शाइन या फिर ग्लॉस, इस तरह के वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अब मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन कौन से वर्ड को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, और आपको इनमें से कौन कौन से वर्ड ज़्यादा पसंद है। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।